जम्मू शहर का खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी सुंदर शहर है, मंदिरों का शहर भी कहते हैं इसे, और काफ़ी क्लीन है। तो आप श्योर करें कि इस शहर को गंदा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जनित में जारी। दोस्तों, हम बस स्टैंड से पहुंच चुके हैं होटल में और रात को दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। भैया, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से भवन? 500 मीटर यहाँ से बस स्टैंड से 500 मीटर। और भवन की चढ़ाई यहाँ से कितनी दूर पड़ जाती है? यहाँ से 1 किलोमीटर भवन की चढ़ाई पड़ जाती है बस स्टैंड से, यहाँ से 500 मीटर मेन गेट है जहाँ पे। अच्छा, ये बिल्कुल बीच में है? जी जी। अच्छा, और ये रेड रूम की अक्रॉस दी एरिया सेम ही रहते हैं या फिर सीजन में बढ़ते हैं? तो अभी जैसे नॉर्मल सीजन है, अभी का भीड़ बहुत आ रही है, अभी भीड़ कम है, तो 500-600 में हमें रूम मिल जाते हैं। और जब गर्मियों के सीजन में भीड़ बन रहा है, 1500 से रेट बढ़ जाते हैं, तो आप टूरिस्ट को बोलते हैं कि ऑफ सीजन में आने से फिर सस्ता पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली श्री साई बसेरा होटल में आएँ। यहाँ पे रूम काफ़ी क्लीन है, मैं देख चुका हूँ। मैं आपको भी एक बार रूम दिखा देता हूँ, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। जय माता दी। जय। दोस्तों, ये रहा हमारा रूम। नॉन एसी है, लेकिन इसमें इन्होंने वाईफाई गीजर वगैरह सब दे रखा है, और 500 रुपये के हिसाब से बुरा भी नहीं है। वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। अगर आपको इसी वाला रूम चाहिए तो ये लोग लगभग वही 600 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों, रात के 3 बज चुके हैं और हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। यहाँ ऑटो आपको मिलती रहती है, तो मुझे एक भैया मिल गए हैं जो मुझे होटल से बाणगंगा स्टॉप तक पहुँचा देंगे। लगभग 100 से 150 रुपये में किराया होता है, मुझे 100 रुपये मान गए ये। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा स्टॉप। वैष्णो देवी यात्रा में 5 स्टॉप होंगे। शुरू करेंगे बाणगंगा से, फिर आएगा चरण पादों का मंदिर, और उसके बाद हमारे को जाना है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी के बाद हम माता जी के दर्शन करने जाएंगे सीधे भवन में। भवन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है भैरव मंदिर। उसके बाद हमारी यात्रा पूरी होगी। तो चलिए बाणगंगा स्टॉप से शुरू करते हैं। बाणगंगा स्टॉप पे आपको अपना बैग चेक करवाना है, स्कैन होगा बैग आपका, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी है, तब आपकी यात्रा शुरू होगी। हाँ, तो हम हैं नंदी मसाज सेंटर पर। अगर आपको यात्रा से आते समय अगर थकान हो जाती है तो आप यहाँ के अपना मसाज करवा सकते हैं। 50 रुपीज़ जस्ट 50 रुपीज़ हैं। भैया, आपका नाम क्या होगा? मैं नाम सुरेंद्र कुमार गोस्वामी। सुरेंद्र भैया हमारे साथ हैं, तो आप अगर थक जाते जरूर इनकी शॉप पे आइए, जस्ट 50 रुपीज़ का मसाज होता है। हमने तो अभी अपनी यात्रा शुरू करी है, तो आते समय देखते हैं माता रानी कैसा व्यवस्था करती है हमारे लिए। अच्छा करेगी माता रानी, जो भी करेगी अच्छा करेगी। और भैया जी ने हमारे लिए पट्टी बांध दी माथे पे। जय माता दी की। जय माता। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। बाणगंगा घाट का नजारा ऊपर से चलते हुए, थोड़ी सी आगे बाणगंगा मंदिर भी है, और तीसरी इसके लंगर भी यहीं आसपास ही होता है, तो आप वहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। लगभग 15 मिनट होते चुके हैं हमें चलते हुए, और पहला मंदिर जो पड़ता है वो है बाणगंगा मंदिर, आप देख सकते हैं। हमने चढ़ाई शुरू की है, अभी बस 40 मिनट ही हुआ है और थकान होने लग गई है, शायद चलने की आदत छूट गई है। आपको ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे तो घोड़े खच्चर आदि ले सकते हैं। खच्चर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जो संसार की बिगड़ी बनाने वाली भगवती हैं उनके लिए एक छुटी हुई आदत को बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो कोशिश करते हैं कि माता जी की कृपा से हम पैदल ऊपर चढ़ जाएं। मैं आपको बता रहा था चरण पादुका मंदिर के बारे में। तो इसका इतिहास ऐसा है कि जब माता जी बाल स्वरूपा होकर भैरव से हाथ छुड़ाकर भागी हैं भैरव बाबा से, श्रीधर पंडित के भंडारे से, तो उनको ढूंढते हुए भैरव बाबा पहुँचे हैं। पीछे पीछे पहुँच जाते हैं इस त्रिकुट पर्वत पे। माता जी ने आदेश दिया है श्री वीर बजरंगी को कि हे बजरंग, जब तक मैं आदेश ना दूँ तब तक भैरव को रोके रहो। और वहाँ पे बजरंगी कहते हैं माता से कि हे माता, मुझे बहुत प्यास लगी, मैं थक गया हूँ। तो माता प्रसन्न होकर कहती हैं कि मैं तुम्हारे आश्रय को समझ गई बजरंग, तुम चाहते हो कि कभी भविष्य में यदि कोई भक्त यहाँ आता है तो उसे यदि थकान हो जाए तो अपनी थकान को बुझाने के लिए उसे जल की आवश्यकता होगी। तब माता ने अपने धनुष से बाण निकाल कर मारा है, और यहाँ पे गंगा जी प्रकट हो गई हैं।
इसलिए इसे बाणगंगा भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे बालगंगा भी कहा जाता है, क्योंकि माता जी ने यहाँ पे अपने केश धोए थे। उसके जब आगे चलते हैं तब चरण पादुका मंदिर आता है। इसके विषय में इतिहास ऐसा है कि माता जी कहते हैं जब आगे बढ़ने लगी बाणगंगा से केश धो करके, तब एक जगह पर रुक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, वहाँ पर उनके चरणों के स्थान जहाँ पर था, जहाँ पर उनके चरणों के छाप पड़े थे, वहाँ पर चरण पादुका मंदिर बना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी, हम अपनी यात्रा को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। माता जी का प्रताप है कि मैं तो छाता लेकर आया हूँ। सो अगर आप अभी बारिश के मौसम में आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर एक छतरी होगी तो अच्छा रहेगा, वरना भींग के भी माता जी के दर्शन करने जा सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों बारिश लगभग रुक चुकी है, आप आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड का रास्ता जो है वो पैदल यात्रियों के लिए है और राइट साइड से घोड़े खच्चरों के लिए रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ आपको रास्ते में हर जगह ऐसे ढोल नगाड़े मृदंग मिल जाएंगे। माता जी का प्रताप देखिए, मेरे आगे एक जत्था जा रहा है माता के दर्शन को। एक बाबा हैं, उम्र भी ज़्यादा होगी, किंतु भगवती का प्रताप है कि जब बुलावा भेजती हैं तो सभी लोग उनके दर्शनों के लिए खींचे चले आते हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े और क्या जवान। सो एक बार जोर से माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। पैसे हम खर्च करते हैं अपने शान और शौकत दिखाने के लिए, कोशिश कीजिएगा कि ये जो लोग हैं ये बस पेट भरने के लिए अपना काम कर रहे हैं, आपके जो वश में हो अपनी इच्छा से माता का प्रसाद समझ के दे देंगे इन्हें, तो इनकी भी रोजी रोटी चल जाएगी। एक माता जी के आशीर्वाद से एक पूरा शहर बसा हुआ है, चिड़ियों से लेकर के मनुष्य तक सबका दाना पानी उन्हीं की कृपा से चलता है। तो जो है कोशिश करें कि आप इसमें जितना सहयोग कर सकें कर दें, बाकी तो भगवती की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पे आज कुछ खच्चर वाले गलत जगह गुजारे, लेफ्ट साइड पैदल जाते हुए होती है, तो मैं विश्वास से कैमरा बंद कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आपको मैं मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करा पाऊँगा, कोशिश करूँगा कि बाहर से ही दर्शन हो जाएं। नगाड़े फिर से बजना शुरू हो गए हैं, तो हम चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए ढोल नगाड़ों पे नाचते हुए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बारिश का सीजन है, पहाड़ों पे पत्थर खिसकने का डर रहता है, तो प्रशासन ने जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, आप ध्यान रहें रखें कि गिरते हुए पत्थरों से थोड़ा सा बच के आपको चलना है, बाकी माता जी तो रक्षा करने के लिए हैं। जय माता दी। दोस्तों हमें चलते हुए लगभग 1.25 घंटे हो चुके हैं, हम अर्धकुमारी की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहें तो पैदल रास्ते से भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन और है अगर आपको सीढ़ियों में चढ़ने की आदत है तो सीढ़ियाँ हैं। बाणगंगा स्टॉप से अर्धकुमारी तक लगभग 2466 सीढ़ियाँ होती हैं, खड़ी चढ़ाई है, और अगर आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तो 6.5-7 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं चलना। मैं जनरली सीढ़ियों से ही जाता हूँ क्योंकि थोड़ी थकान तो होती है ज़्यादा, पर माता की कृपा से यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है। भगवती के प्रताप से, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, सभी लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं। लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए मरे आते हैं, कुछ लोग पैदल कुछ घोड़ों पर, बस आपको मन में आस्था रखनी है। ये एक
नज़ारा है खूबसूरत सा कि कैसा लगता है कटरा शहर। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हम लगभग थोड़ी दूर बचे हैं अर्थ कुमारी पहुँचने से, और ज़मीन से लगभग कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर दूर तो आ ही गए हैं ऊपर की ओर। तो बहुत से सुंदर नज़ारा है, और जो है कोशिश करें कि माता के जयकारे लगाते हुए जाएं आगे, ताकि जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। कोहरे को बहते हुए देख सकते हैं, माता रानी का प्रताप है कि इतने सुंदर नज़ारे को देखने का मौका मिल रहा है। और मैं तो पहली बार अगस्त के महीने में आया हूँ यहाँ पे। हम लगभग अर्थ कुमारी पहुँच चुके हैं, यहाँ हमें पहले दर्शन के लिए टिकट लेना पड़ेगा। दर्शन टिकट लेने के बाद हमें लगभग 24 घंटों का वेटिंग टाइम था, और काफ़ी अच्छे से हम गुफा के अंदर से होकर दूसरी साइड निकल गए हैं। अर्थ कुमारी गुफा की जो कथा है वो मैं आपको वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। अर्थ कुमारी से ऊपर भवन जाने के लिए आपको दो रास्ते रहेंगे, एक होता है हिमकोटी मार्ग और दूसरा है सांझी छत मार्ग। मैं मोस्टली हिमकोटी मार्ग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें जानवरों को जाना अलाउड नहीं है, आप आराम से बिना डर के छोटे बच्चों के साथ ही पैदल जा सकते हैं। ये सांझी छत मार्ग का रास्ता है, आपको दिखा देता हूँ, और हम लोग जो है हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ेंगे भवन की ओर। तो अर्थ कुमारी में लगभग आधी दूरी हम कवर कर चुके हैं, बाकी आधी भवन के रास्ते को पार करते हुए हमें कवर करनी है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, शेरा वाली, मेरा वाली, जोता वाली, जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। हम पहुंच चुके हैं भवन में, माता जी की आरती हो रही है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। दोस्तों इस पॉइंट से आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मोबाइल मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा। पीछे एक शॉप है पूजा भेंट भंडार, जहाँ से मैं प्रसाद लेता हूँ, वहाँ पे अगर सामान रख देते हैं, उनसे प्रसाद अगर लेते हैं तो वो हमारा सामान डिपॉजिट कर लेते हैं, और क्लॉक रूम की लंबी लाइन से आप बच सकते हैं। तो जो भी भक्त माता रानी के दर्शन के इच्छुक हैं बट किन्हीं कारणों से आ नहीं पा रहे हैं, भवन का नज़ारा आपके सामने लाइव है, आप प्रणाम कर लीजिए, भगवती से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सब पूरी करें। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ जगदम्बा की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमें, अब भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत सा मार्केट है, और बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे घी की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। प्राइस के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स परचेस कर सकते हैं, कटरा के मार्केट से, या ये जो ऊपर भवन में मार्केट सजा है यहाँ से भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये भैरव घाटी को चढ़ते समय खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है लगभग 2 किलोमीटर की, और जो भैरव मंदिर का इतिहास है मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा उसमें प्रकाश डालने का। तो दोस्तों हमें भैरव घाटी मंदिर के भी दर्शन हो चुके हैं भैरव बाबा के। आई एम सॉरी आपको दर्शन नहीं करा सका, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं आपको कथा बता रहा था भैरव मंदिर की, जब माता चरण पादुका मंदिर से आगे गई हैं तो रास्ते में उन्होंने अर्ध कुमारी में 9 महीने तक तपस्या करी है, और भगवान बजरंग बली को आदेश दिया था कि हे बजरंग, जब तक मेरी तपस्या पूर्ण होती है तुम इस मंदिर के अंदर भैरव को मत आने देना। अब 9 महीने तक माता
उसी प्रकार उस गुफा के भीतर रही हैं जैसे एक शिशु माता के गर्भ में रहता है, इसलिए इस गुफा को गर्भजोन भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक माता के दर्शन के लिए आए और गर्भ जो गुफा के भीतर से होकर गुजर जाए उसे इस जन्मों के फेरे से मुक्ति मिल जाती है, वो जीवन मरण के चक्र व्यूह से आज़ाद हो जाता है। तो कोशिश करें कि यदि माता के दर्शनों के लिए आएँ तो आप अर्धकुमारी में गर्भजोन गुफा के भीतर से होकर दूसरी साइड निकलें और फिर जब माता ने 9 महीने की तपस्या कर ली है तब आगे जाती हैं माता, बाहर निकलती हैं और फिर भैरव बाबा के साथ उनका युद्ध होता है। माता जी ने अपने त्रिशूल से भैरव बाबा पर प्रहार किया था और उनका जो मस्तक है माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर या आप कह सकते हैं 1.9 किलोमीटर दूर जाके पर्वत के ऊपर गिरा है। तो भैरव बाबा कहते हैं मस्तक कट जाने के बाद कि हे माता, मैं तो आपके सच्चे स्वरूप को पहचान गया था और जो है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि संसार मुझे पापी के नाम से जाने। अब माता का हृदय तो विशाल होता है, अब सबको पता ही है करुणामयी माँ है भगवती। तो उन्होंने भैरव से कहा, ठीक है भैरव, ये संसार तुम्हें पाप रूप से नहीं जानेगा, जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए आएंगे मेरे दर्शन के पश्चात जब तक वे तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे तब तक मैं उनके दर्शनों को स्वीकार नहीं करूँगी। तो इस प्रकार जो है आप जब भी माता के दर्शनों के लिए आएँ तो भैरव मंदिर में दर्शन करना ना भूलें और उसके बाद फिर इन 5 स्थानों का दर्शन पूरा हो जाता है। एक और खूबसूरत नज़ारा भैरव घाटी से उतरते हुए। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में मैं बिना मास्क के वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ। एक्चुअली भैरव मंदिर से उतरते समय मेरा मास्क टूट गया था और यहाँ सांझी से वाले रास्ते पे कोई दुकान भी नहीं है, तो अब अर्धकुमारी पहुँच के ही मैं मास्क ले पाऊँगा। और जो है हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों हम नीचे उतर चुके हैं, अब जो है बस स्टैंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कटरा मार्केट का एक छोटा सा नज़ारा जो फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, छोले कुलचे, घी की बनी मिठाइयाँ और गोलगप्पे वगैरह काफ़ी फेमस है यहाँ पे। कपड़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप फैमिली के साथ आएंगे बहुत वाजिब दामों पे आपको कपड़े मिल जाएंगे। तो आप मार्केट का आनंद लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।